Hello friends, I'm Mr. Ravindra Bhale Rao and I welcome you to my channel that is Learn English with Bhale Rao Sir. Friends, today we are going to learn Hindi translation of the moral story that is Androcles and the Lion. Before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. The name of the story is Androcles and the Lion. Long, long ago, काफी समय पहले की बात है, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. तब वहाँ एक Androcles नाम का दयालु, सज्जन और विनम्र ऐसा एक व्यक्ति रहता था. But he had a very cruel master. लेकिन उसका मास्टर बहुत निर्दयी था, क्रूर था. इन दोज डेज, उन दिनों में किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. उन दिनों में राजा लोग या नोबल्स यानी सज्जन लोग और अमीर लोग, ये लोग गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाते थे. Androcles was a slave. और इस तरह से Androcles भी एक स्लेव था, गुलाम था. The slaves were forced to work for their masters. और गुलामों को वो जबरदस्ती से अपने मास्टर के लिए काम करना पड़ता था. They had to do what their masters told them. गुलामों को उनके मास्टर जो भी काम करने के लिए कहते थे वो करना पड़ता था. They had no freedom, no rights. गुलामों को स्वतंत्रता नहीं थी या उन्हें कोई अधिकार भी नहीं था. राइट्स यानी अधिकार. इवन वेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, दे कुड नॉट लीव हिम. अगर गुलाम अपने मास्टर से दुखी है, अनहैप्पी है, फिर भी वे अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जा सकते थे. दे वेर बाउंड बाई लॉ टू ऑबे देयर मास्टर. वो सभी गुलाम अपने मास्टर के प्रति एक कानून से बंधे हुए थे और उन कानून का पालन करना, ऑबी करना उन्हें कंपलसरी था. हाउएवर वीकेड ही माइट बी, कितना भी उनका मास्टर शैतान क्यों न हो, फिर भी उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था. Androcles did not like his heartless, wicked master. Androcles को भी अपना हार्टलेस, बेरहम, वीकेड, निर्दयी मास्टर अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था. हिज मास्टर स्टार्व हिज स्लेव्स. उसका मास्टर गुलामों को भूखा रखता, स्टार्व यानी भूखा, खाने के लिए कुछ नहीं देता था. एंड ऑफन व्हिप देम, और हमेशा उन्हें व्हिप, चाबुक से मारता था. Androcles felt, Androcles को ऐसा लगा, that even death was better than serving such a master. Androcles को लगा कि ऐसे मास्टर की सेवा करने से बेहतर है कि मर जाए. He kept looking out for a good opportunity. और इस वजह से वो अवसर ढूंढ रहा था. Androcles अपने मास्टर से छुटकारा पाने के लिए अवसर ढूंढ रहा था, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था. एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और उस ये अवसर उसे एक बार मिला, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर. और वह अपने निर्दयी मास्टर के क्लचेस से यानी चुंगुल से उसने एस्केप किया
यानी उससे वहां से वो भाग निकला। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लस हैड दिस रन अवे, अभी हालांकि एंड्रोक्लस चला गया था, भाग गया था अपने मास्टर के पास से, ही वॉज नॉट ए कावर्ड, फिर भी वो कावर्ड नहीं था। कावर्ड का मतलब होता है और डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन ए फॉरेस्ट, एंड्रोक्लस ने जंगल में, फॉरेस्ट में शेल्टर लिया, शेल्टर ना वहां आश्रय लिया, वहां रहने लगा। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट, वो जंगल के वाइल्ड बीस्ट से, जंगली जानवर को, जानवर से नहीं डरता था। दैट रोम द फॉरेस्ट, जो जानवर फॉरेस्ट में, जंगल में घूमते फिरते थे। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, एंड्रोक्लस को कोई शिकायत नहीं थी कि मेरे ऊपर, मुझे कोई घर नहीं, मेरे ऊपर कोई छत नहीं है, मैं यहाँ जंगल में रह रहा हूँ, इसकी कोई उसके किसी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। He was happy that he was free as a bird, वो एक ही बात से खुश था कि मैं पंछी जैसा, बर्ड जैसा फ्री हूँ, मुक्त हो, स्वतंत्र हो, इस वजह से वो हैप्पी था, आनंदित था। To go wherever he wished, और वो पंछी जैसा, बर्ड जैसा कहीं भी अपनी इच्छा से जा सकता था। One day, as he was wandering in the forest, एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, जा रहा था, he suddenly came face to face with a lion, और अचानक suddenly वो एक शेर के सामने आ गया, शेर उसके सामने आ गया। His first reaction was to run, to turn and flee, उसके मन में पहली प्रतिक्रिया आ गई कि वहां से मुड़ जाए और भाग निकले, फ्ली यानी भाग जाना। But then he saw, लेकिन बाद में उसने देखा, that the lion had not moved on seeing him, उसने देखा कि सामना, अपने सामने खड़े हुए शेर हलचल नहीं कर रहा था, उसे देखकर भी हिल नहीं रहा था। It neither growled nor roared, शेर ने कुछ growled यानी कुछ आवाज नहीं किया, और रोड यानी कोई गर्जना भी नहीं किया, शेर की जो गर्जना होती वो जोर से आवाज करते है, ऐसे कुछ आवाज उसने नहीं निकला। इनफैक्ट इट लुक्ड एट हिम पीटियसली, असल में वो शेर एंड्रोक्लस की तरफ पीटियसली देख रहा था। पीटियसली मतलब होता है दयनीय ढंग से देख रहा था, एज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन, मानो कि वो शेर बहुत बड़े दुख में है, पेन में, संकट में है। एंड्रोक्लस पॉज्ड, एंड्रोक्लस थोड़ा सा रुक गया, पॉज यानी रुका। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड द लायन, और उसके बाद बहुत कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब होता है केयरफुली, वो लायन की तरफ जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पैर आगे निकलते हुए जा रहा था। द लायन मोन एंड विंपर्ड, तब लायन ने एंड्रोक्लस को देखकर दुख भरी आवाज निकाली, मोन यानी मेड अ पेनफुल साउंड, एंड विंपर्ड, विंपर्ड यानी रोता हुआ, जैसा रोने जैसा आवाज यानी फुसफुसाया। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से, मानो कि उसे आंखें, शेर की आंखें कह रही थी कि उस एंड्रोक्लस को कृपा करके मुझे मदद कीजिए। When एंड्रोक्लस drew near, जब एंड्रोक्लस उस शेर के पास चला गया, the lion roared its head and began to lick its paw, तब लायन, उस शेर ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और अपने पॉ को यानी अपने पंजे को वो चाटने लगा। द एंड्रोक्लस सॉ दैट द लायंस पॉ वॉज वाउंडेड सोर एंड सोलन, तब एंड्रोक्लस ने देखा कि उस शेर का पंजा वाउंडेड था, जख्मी था, वो सोर एंड सोलन, और वो पंजा किसी कारण से, उस पंजे को सूजा हुआ था, सूजन आई थी।
On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. जब एंड्रोक्लस ने बहुत नजदीक से देखा तब उसे यह ध्यान में आ गया, उसने ये देखा थी कि उसके पंजे के एक टोज में, एक पैर की उंगली में एक थॉर्न यानी कांटा घुस गया था, पायर्स यानी घुस गया था। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्टेस, और यही एक कारण था, कॉज था लायन का, उस शेर का दुखी होना, संकट में रहना, संकट में होने का, थॉट एंड्रोक्लस, ऐसा एंड्रोक्लस ने विचार किया। समोनिंग अप ऑल द करेज, एंड्रोक्लस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टुवर्ड द इंजर्ड पॉ, और उसके बाद एंड्रोक्लस ने बड़े धैर्य इकट्ठा करके, बड़े धैर्य से, समोन अप ऑल द करेज यानी धैर्य इकट्ठा करके, धैर्य से एंड्रोक्लस स्ट्रेच हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया स्लोली टुवर्ड द इंजर्ड पॉ, वो जख्मी पंजे की तरफ। ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम, उसे ये भी वो घबरा गया था कि मान ऐसा न हो कि वो शेर उसे अटैक करे, उसके ऊपर हल्ला करे। इफ ही टच इट सोलन पॉ, अगर वो उसके सूजे हुए पॉ को, पंजे को टच करता है, स्पर्श करता है, तो वो लायन शेर उसके ऊपर अटैक न करे, इससे भी वह इस सोच से, इस विचार से वो डर भी गया था। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन उस शेर ने देखा कि एंड्रोक्लस का इंटेंशन, इरादा बहुत अच्छा है, उसने ये सब समझ लिया। एंड्रोक्लस took the paw in his left hand, एंड्रोक्लस ने शेर का पंजा, पैर अपने बाईं हाथ में लिया। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, और उस पंजे के उस उंगली में से वह कांटा बड़े कुशलता से, डेफ्टली इनका मतलब होता है कुशलता से, उसे पुल्ड आउट बाहर निकाला। Then tearing a piece of his own clothing, और उसके बाद अपने खुद के कपड़े का एक कपड़ा फाड़ कर, the kind man bound up the lion's injured paw, और एंड्रोक्लस ने जो उसे kind man था, वो दयालु था, उसने उस जख्मी पंजे को, उस कपड़े को bound up किया, bound up यानी उसकी पट्टी लगाई। To his surprise and wonder, the lion then licked his arms, और बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसको उस पट्टी लगाने के बाद वो लायन, वो शेर एंड्रोक्लस के बाहों को, आर्म को लिक कर रहा था, प्यार से चाट रहा था, as if to show gratitude, मानो कि वो उसके प्रति आभार प्रकट कर रहा था, gratitude यानी आभार प्रकट करना। एंड्रोक्लस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में एंड्रोक्लस शेर के साथ रहने लगा जब तक उसे ठीक तरह से चलना न आए। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, और एंड्रोक्लस फॉरेस्ट में शिकार करता था, और उस की हुई शिकार से, उसमें से वो फूड अपने बीस्ट, वो जंगली जानवर शेर को खाने के लिए देता था जो हेल्पलेस था, मजबूर था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, हर दिन एंड्रोक्लस उस शेर की जख्म को साफ करता था, उसको पर पट्टी लगाता था, मानो कि कोई मनुष्य का काम, मनुष्य की जख्म को पट्टी लगाता था, उस तरह से वो शेर की और जख्मी पैर को, जख्म को क्लीन करके पट्टी लगाता था। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, थोड़े दिन में वो लायन चलने फिरने लायक हो गया। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लस, कई बार वो लायन, शेर एंड्रोक्लस के पीछे पीछे जाता था जंगल में, वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी एंड्रोक्लस जाता था उसके पीछे शेर भी जाता था।
In the meanwhile, इस दौरान एंडक्लूस मास्टर हैड कंप्लेंड टू द अथॉरिटीज दैट हिज स्लेव एंडक्लूस हैड रन अवे। इस दौरान यहाँ एक घटना घटी, एंडक्लूस का जो मास्टर था जिससे वो छुटकारा पाकर भाग निकला था, उस मास्टर ने कंप्लेंट की अपने अथॉरिटीज को, अपने अधिकारियों के, किया जो स्लेव एंडक्लूस है वो भाग गया है। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंडक्लूस, और उस एंडक्लूस को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए उस मास्टर ने सोल्जर्स को, सैनिकों को सभी दिशाओं की तरफ भेज दिया। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो, और उस सैनिकों ने सभी जगह सर्च किया, उसे ढूंढने की कोशिश की, बट कुडंट फाइंड हिम, परंतु एंडक्लूस उन्हें नहीं मिला। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंडक्लूस लिव्ड। आखिर में वह सभी सोल्जर्स उसी फॉरेस्ट में आ गए, जंगल में आ गए जहाँ एंडक्लूस रहता था। इट सो हैपन्ड दैट एंडक्लूस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव। और जब वे सोल्जर्स फॉरेस्ट में आए थे, जंगल में आए थे, उस दिन एंडक्लूस अकेला ही जंगल में हंट, शिकार करने गया था, और लायन उसके साथ नहीं था, वो केव के पास, एक गुफा के पास आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हैंड्स ऑफ सोल्जर्स, और दुर्भाग्य से लायन, शेर और एंडक्लूस दोनों भी उन सोल्जरों के हाथ, उन सैनिकों के हाथ लग गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और सैनिकों ने शेर को और एंडक्लूस को उस शहर में वापस मास्टर के पास लाया, उनके मास्टर के पास लाया। दे पुट एंडक्लूस इन ए चेन इन ए प्रिजन, उन्होंने एंडक्लूस को चेन से बांध कर प्रिजन में रखा, जेल में रखा, और द लाइन वॉज केज, और दूसरी तरफ लाइन को भी, शेर को भी केज में बंदिस्त किया। इन दोज डेज पीपल हु वेर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम वेर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट। उन दिनों में जो लोग गिल्टी यानी दोषी अपराधी होते थे, उन्हें पनिशमेंट के तौर पर, अगर उन्हें सीरियस क्राइम किया है, गंभीर अपराध किया है, तो पनिशमेंट के तौर पर उन लोगों को जानवरों को खिलाया जाता था और जानवरों को खाते थे, फेड टू द वाइल्ड बीस्ट एज अ पनिशमेंट। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, और उसी समय उनके मास्टरों के पास से भाग जाना यह भी एक सीरियस क्राइम था। देयरफॉर एंडक्लूस टू वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, और इस गंभीर सीरियस क्राइम की वजह से मानकर एंडक्लूस को भी जंगली जानवर को खाने के लिए उसके पास फेंक दिया पनिशमेंट के तौर पर। ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टूक हिज प्लेस, एक निश्चित दिन रखा जहाँ सर्कस, या जो सर्कस जैसा भरा बहुत मैदान था, वहाँ एंडक्लूस को लाया गया, वहाँ एम्परर, उनका सम्राट भी वहाँ आ गया। द क्राउड चीयर लाउडली, और वहाँ के सभी लोग जोर जोर से चीयर कर रहे थे। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट, ट्रम्पेटर यानी ट्रम्पेट बजाने वाले वो जोर जोर से ट्रम्पेट बजा रहे थे। एंड एंडक्लूस वॉज ब्रॉट इन टू द एरेना, और आखिर में एंडक्लूस को उस एरेना में, उस अखाड़ा में लाया गया जहाँ उसको पनिशमेंट के तौर पर शेर के सामने खाने के लिए दिया जाएगा। हिज चेन्स वेर अनबाउंडेड, उसे जो चेन से बांधा था उसे चेन को खोला दिया गया। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, तब एंडक्लूस को बहुत कमजोरी और निराशा महसूस होने लगी। डिसमेड यानी निराशा, दुख महसूस होने लगा। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, उसे निश्चित तौर से पता था कि यह दिन उसके लिए, उसके जीवन का आखिरी दिन होने वाला है, आखिरी दिन था। एट द अपोजिट एंड, दूसरी तरफ से
A gate was raised and a fierce lion was released into that arena. उसी अखाड़ा में दूसरे कोने में से गेट खोलकर एक क्रूर फिरोसियस का मतलब होता है क्रूर शेर को बाहर निकाला गया उस अखाड़े में लाया गया. It had been kept hungry to make it more ferocious. उसे अधिक क्रूर करने के लिए उसे कुछ दिन बहुत दिन भूखा रखा गया. Androclus was filled with fear. और उस शेर को देखकर Androclus भय से घबराहट से भरा हुआ था. But he put up a brave front. लेकिन फिर भी वो एक बहादुर जैसा बिहेव कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि मैं डरा नहीं. The lion saw Androclus and rushed towards him. जैसे शेर ने उस Androclus को देखा दूर से, तो उसकी तरफ रश यानी दौड़ते हुए आ गया. Bounding and roaring, जंपिंग करते हुए और गर्जना करते हुए Androclus की तरफ भाग रहा था. बट सडनली इट स्टॉप इट्स ट्रैक. लेकिन जैसे नजदीक आते ही वो अपने ट्रैक पे अपने रास्ते में वो स्टॉप हो गया, अचानक रुक गया. देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड. और वो धीरे धीरे Androclus की तरफ बढ़ने लगा. ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड. और ऐसे दिखाई दे रहा था उस शेर का जो भी क्रोध है, रेज है, मानो खत्म होते जा रहा था, मेल्ट होने जा रहा था. Androclus saw this too. Androclus ने शेर की तरफ देखा तो each friend recognized the other. तब वही शेर था जिस शेर को Androclus ने उसके जख्म को पट्टी लगाई थी, उसे चलने लायक बनाया था. और उन्होंने रिकॉग्नाइज ईच अदर, उन्होंने Androclus और शेर ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, पहचान दिया. टू everyone's amazement, द lion bounded towards Androclus अगेन. और आश्चर्य की बात थी कि वो lion Androclus की तरफ फिर से बाउंड जंप करके आगे बढ़ा. बट वेन इट reached हिम, लेकिन जैसे ही वो Androclus के पास पहुंचा, इट began to purr एंड rub इट्स नोज अगेंस्ट हिम. तब वो शेर purr, purr means म्याव म्याव जैसा आवाज निकालने लगा और अपने गर्दन को, नोज को Androclus के पास रब करने लगा, घासने लगा. यानी बहुत प्यार से उसने उसको आ गया, नजदीक आ गया. Androclus hugged the lion. और आश्चर्य की बात, Androclus ने उस लायन को गले लगाया, हग यानी गले लगाया. He wept with relief and joy. और Androclus बहुत आनंद से, रिलीफ से महसूस करने लगा. द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन अ ग्रेट वंडर. और दर्शक और उन्हीं के साथ एम्परर सम्राट भी बहुत बड़े ग्रेट वंडर आश्चर्यकारक से, विस्मयता से इस दृश्य को देख रहे थे. पीपल बिगैन टू चीयर. सभी लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे. Androclus and ask for his release. और सभी लोग सम्राट को Androclus को छोड़ने के लिए कह रहे थे, रिलीज करने के लिए कह रहे थे. द एम्परर आस्क्ड Androclus टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर. तब एम्परर ने Androclus से पूछा कि ऐसा शेर ने बिहेवियर, एक विचित्र ऐसा शेर, विचित्र बिहेवियर शेर ने कैसे किया, ये क्या बात है कि आप एक दूसरे को एक कैसे पहचान रहे हो. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. जब Androclus ने सभी कथा स्टोरी उससे बताई जंगल में की, तब वो एम्परर भी उनकी ये फ्रेंडशिप को देखकर और शेर का जो ग्रैटिट्यूड प्रकट किया था, आभार प्रकट किया था, ये सब देखकर, ये स्टोरी सुनकर वो भी मूव हो गया. उसका भी मन इमोशनल हो गया था. इन शॉर्ट, और ही ऑर्डर्ड दैट Androclus शुड बी सेट फ्री. और उसने ऑर्डर दिया एम्परर ने कि
एंड्रे प्लस को मुक्त किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव। आज से एंड्रे प्लस कभी स्लेव नहीं रहेगा, गुलाम बनकर नहीं रहेगा। इस तरह से उसने ऑर्डर दिया। व्हेन द एम्परर आस्क एंड्रे प्लस व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक, जब एम्परर ने, सम्राट ने एंड्रे प्लस से पूछा और क्या इनाम चाहिए आपको, एंड्रे प्लस रिप्लाइड, तो एंड्रे प्लस ने उत्तर दिया दैट ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री। तब एंड्रे प्लस ने उत्तर दिया कि उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु उसकी एक इच्छा है कि सम्राट ने लायन को, उस शेर को भी मुक्त किया जाए, शेर को भी छोड़ दिया जाए, और इसकी ये भी रिवॉर्ड, इस ये भी विश एम्परर ने पूरी की। और इस तरह से द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लीव अ फ्री लाइफ। और ये दो फ्रेंड्स, मित्र शेर और एंड्रे प्लस, फिर से वापस फॉरेस्ट में, जंगल में वापस आ गए और वहाँ एक स्वतंत्र फ्री लाइफ जीने लगे। फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट। If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you good day. Thank you very much.